वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। गाइस आपको पता है कि हमने ये प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दिया। ओके, ई कॉमर्स वेबसाइट को हम इस प्लेलिस्ट को हम बहुत अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। ये कंप्लीट एक टेम्पलेट है, ठीक है ना, एंड इसी को हम रिएक्ट जेएस में बनाने वाले हैं, ठीक है ना। एंड मोस्टली हमारा काम स्टार्ट हो ही गया है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मैंने यहाँ पर इसका हेडर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। एंड अभी हम आज की वीडियो में इसको आगे से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। एंड आई होप कि आप भी लोग मेरे साथ साथ कोड कर रहे हो, ठीक है ना, एंड अच्छे से सीख रहे हो आप रिएक्ट जेएस। ओके, एंड इसमें आपको कंप्लीट फ्रंट एंड कवर हो जाएगा, ठीक है ना, एचटीएमएल कवर हो जाएगा एंड सीएसएस कवर हो जाएगी। ओके, जिस भी फ्रेंड्स को सीएसएस नहीं आती है ना, तो वो सीएसएस भी इजिली सीख जाएगा, इसलिए मैं कस्टम बना रहा हूँ पूरा, ठीक है ना। एंड बहुत से होते हैं कि जो टैलेंट सीएसएस में बना देगा ये प्रोजेक्ट, बट उसमें ना सीएसएस वगैरह सीखने को नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पर कस्टम कोड कर रहा हूँ, जैसे आप सभी लोग को कोड करना आना चाहिए अपने से भी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते, देर ना करते हो। अगर आप मेरे चैनल एडवांस यूआई टेक्निक्स पे नहीं है, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, एंड इस पे मैंने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक हेडर ये कंप्लीट कर लिया था, एंड आज की वीडियो में हम ये बनाएंगे, ठीक है ना, लोकेशन का ये मॉडल। तो इसको कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हमारा मोस्टली हेडर पार्ट फिर कंप्लीट हो जाएगा ना, इसके बाद ये भी बनाएंगे अभी हम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज हो रहा है, देखो यहाँ पर इतना स्पेस है, एंड यहाँ पर देखिए कितना स्पेस हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेविगेशन ये जो 3 था ना, इसको 2 करेंगे एंड इसको 10 कर देंगे, ठीक है दोस्तों। एंड यहाँ देखिए यहाँ ये थोड़ा बिगड़ गया, तो इसको हम ठीक करते हैं पहले। तो इसको ठीक करने के लिए हमको यहाँ पर ये पैडिंग कम करनी पड़ेगी थोड़ी, इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। एंड हम जाते हैं यहाँ पर क्या नाम है इसका, टैब में, ठीक है ना। यहाँ जो मैंने इसका फॉन्ट साइज भी ऐड किया था, फॉन्ट साइज ठीक करेंगे हम पहले इसका। ये जो है ना फॉन्ट साइज 14px, एंड यहाँ पर 12 करना है, एंड यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर पैडिंग राइट में, कहाँ गया पैडिंग राइट, पैडिंग राइट 0px करता हूँ, देखिए फिर भी नहीं गया। एंड हमको यहाँ पर ना इसमें इसका टेक्स्ट फॉन्ट साइज जो है, देखिए इस पर सेट हो गया ये ना। तो देखिए हम एक काम करते हैं, इसको 15 ही रहने देते हैं, ठीक है दोस्तों। एंड यहाँ से फॉन्ट साइज हटाते हैं, इसको पहले की तरह करते हैं ऐसा, ठीक है ना। एंड इसको मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो है ना देखिए यहाँ पर, यहाँ पर करना है मैं काम, ठीक है। नेव के अंदर ये जो नेव पार्ट वन है, मैक्स विड्थ अभी कितनी ऐड हो रही है, अगर हमने 2 लिया है तो देखिए ये इसकी मैक्स विड्थ, ठीक है ना, 16%। हम यहाँ पे क्या करेंगे 14%, ओके। एंड यहाँ पर फ्लैक्स, ये रहा, ठीक है। एंड फ्लैक्स कर देंगे हम इसमें 14%, अच्छा 14 नहीं करना हमको, ज्यादा करना है, 20 कर दें, ओके 20 मैंने कर दिया। तो देखते हैं हम 20 कितना आ रहा है यहाँ पर, देखिए इतना आ रहा है 20, ठीक है 20 बेस्ट है। एंड ये पार्ट वन था, एंड यहाँ पर पार्ट टू में क्या करेंगे, बाकी यहाँ पर 80 एंड यहाँ पर 80, अब चेक करते हैं, देखिए अब परफेक्ट ये यहाँ पर आ चुका है, ठीक है ना। एंड इसके अंदर हम पहले अगर कुछ भी ऐड कर रहे थे न्यू कैटेगरी या न्यू लिंक, तो वो नीचे आ रहा था ना, अब देखिए देखिए अभी प्रॉपर अच्छा लग रहा है ना। मैंने अभी तो आपको स्टैटिक बना के दिखा दिया है, एंड देखिए अब एक चीज और करनी है हमको, यहाँ पर ए में एक पैडिंग कम कर देंगे सबकी, फिर भी टूट रहा है, एंड इसमें 30 करेंगे एक बार, देखिए परफेक्ट है, ठीक है ना। तो
तो इतना ही हम रखते हैं, ठीक है दोस्तों। एंड इसको रखने के बाद हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, ये वाला, ठीक है ना। चलिए, इसको बनाने के लिए हमको जाना पड़ेगा हेडर में, एंड हेडर में जो हमारा ये है ना कंट्री ड्रॉप डाउन, ये रहा, ठीक है ना, इसमें बनाने की कोशिश करेंगे उसको। तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ मटेरियल यूआई, क्योंकि हम उसी का ही मॉडल यूज करने वाले हैं। हम इसको कस्टम भी बना सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर मेटल यूआई का लगाना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर आएंगे, हमको चाहिए मॉडल डायलॉग, ये डायलॉग कहाँ गया, डायलॉग, ये डायलॉग कौन सा है, यस यही वाला चाहिए हमको, ठीक है ना, यही वाला चाहिए था हमको। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कैसा आ रहा है, ठीक है यही है, ठीक है ना। तो हम इसको ओपन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमको क्या चाहिए होगा, सिर्फ ये अभी तो, ठीक है। एंड एंड मैं यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लूँगा, ओके। एंड इसका कोड कहाँ गया, ये रहा मॉडल, तो डायलॉग ये रहा, देखिए डायलॉग ये रहा, मैंने डायलॉग को कॉपी कर दिया यहाँ पर। एंड कहाँ पे हम काम कर रहे हैं, यहाँ पर, ठीक है ना। इस डायलॉग के अंदर से सब कुछ हटा देंगे जो जो हमें नहीं चाहिए, यानी कि हमको ये लिस्ट नहीं चाहिए, ठीक है ना, एंड ये नहीं चाहिए। एंड अभी मैं इसको ओपन को ट्रू रखता हूँ, ठीक है ना, एंड इसको हटाता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर अपना वो ऐड करूँगा, चूज योर डिलीवरी लोकेशन H3 में। तो देखते हैं दोस्तों हमारा आता है नहीं आता, ये डायलॉग इज नॉट डिफाइंड, डायलॉग भी हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। डायलॉग इंपोर्ट तो कर लिया था हमने, इंपोर्ट का किया हमने, डायलॉग टाइटल इंपोर्ट किया हमने, अब डायलॉग इंपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों डायलॉग इज नॉट डिफाइंड, देखिए दोस्तों ये डायलॉग हमारा आ चुका है, ठीक है। एंड हम इसी पे अपना काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्लास ऐड करेंगे, लोकेशन मॉडल, ओके। एंड यहाँ पर अपना, अभी मैं नेविगेशन को बंद कर देता हूँ, ठीक है ना। एंड यहाँ पर हेडर काम बंद, यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ पर करते हैं काम, लोकेशन मॉडल के अंदर। एंड ये जो हमारी जिसमें वाइट वाइट आ रहा है ये बैकग्राउंड, ये किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा होगा, इसमें आ रहा है, ठीक है ना। तो हम इसे कॉपी करेंगे यहाँ पर, एंड पैडिंग 25px, ओके। देखिए परफेक्ट है, ये इतना हो गया। एंड यहाँ पर एक और लाइन आएगी, पी टैग लगा दिया, ओके। एंड यहाँ पर क्या होगा, ये पी टैग भी आ गया। एंड यहाँ पर H5 रखेंगे, ठीक है ना, H4 करते हैं, ये सही है, ठीक है। एंड ये भी हमारा परफेक्ट ही है। एंड उसके बाद ये सर्च बॉक्स लगाएंगे, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, ये और वो कंपोनेंट एक ही है ना, कोई बात नहीं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हेडर में जाएंगे, सर्च बॉक्स में जाएंगे, एंड इसे कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करके सेम टू सेम यहाँ पेस्ट कर देंगे हम, एंड यहाँ पेस्ट करने के बाद एक तो हमको चाहिए दोनों चीजें, इंपोर्ट कर लेंगे ऊपर, देखिए बटन दो दो बार इंपोर्ट कर लिया हमने, लगा तो दिया। देखिए दोस्तों ये सर्च बॉक्स आ गया, ठीक है। एंड यहां पर क्या हो रहा है, हेडर सर्च, तो मैंने यहां पर क्या किया हुआ है, हेडर के अंदर ओपन किया हुआ है, ठीक है ना। इसको मैं क्लोज करता हूँ फ्रेंड्स, ये एक्चुअल में हेडर के अंदर ही तो है, देखो जरा,
नहीं अभी बाहर आ गया ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हेडर सर्च ऐसे यहाँ इसके आगे से ना हेडर हटा दूंगा, क्योंकि मैं ना और भी जगह इसको यूज कर सकता हूँ ना। फिर देखिए परफेक्ट है ठीक है ना, अब देखिए वहाँ भी है एंड यहाँ भी है, एंड इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर W100, देखिए परफेक्ट हो गया काम ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा ये भी आ गया है, एंड सर्च यहाँ पर राइट में है, हम आगे भी लगा सकते हैं कोई बात नहीं, यही ठीक है। एंड सर्च योर एरिया, सर्च योर एरिया ठीक है ना, सर्च यहाँ पर सारी कंट्री लिस्ट आ जाएंगी ठीक है ना। एंड ये हो गया, देख कितना अच्छा लग रहा है नहीं, जरा थोड़ा सा एक और सीएसएस में चेंज करते हैं, ये रहा राइट से इसको 10 करते हैं ठीक है ना, वेरी गुड। एंड थोड़ा सा ये जो है एसवीजी ओपेसिटी 0.8 करते हैं इसको, परफेक्ट लग रहा है इस टाइम पे ठीक है ना। सर्च योर एरिया, एंड दोस्तों इसके बाद क्या लिखना है हमें, ये चीज बनानी है ठीक है, ये वाले ड्रॉप डाउन देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये, तो हम इसको बनाते हैं जल्दी से। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखिए मैं यहाँ पर ना ये वाली आइटम की लिस्ट ले लूँगा, जैसे यहाँ पर लगी हुई है ना ये चीज़ ठीक है ना। चलिए मैं आपको कस्टम बना के दिखाता हूँ ठीक है इजिली। तो मैं यहाँ पर आऊँगा एंड यहाँ पर एक यूएल ऐड करूँगा ठीक है ना, एंड यहाँ पर कंट्री लिस्ट ऐड हो गई है ओके, एंड यहाँ पर एलआई ओके, एंड अलाई में बटन बटन के अंदर सिलेक्ट ए लोकेशन ठीक है ना, तो यहां पर मैं लिखूंगा इंडिया, ये कुछ भी हम जैसे हमने यहां पर किया दिल्ली नोएडा, जो भी सिटी है या कंट्री हम कंट्री लिखते हैं ठीक है ना, वो आपके अकॉर्डिंग है। देखिए जैसे यहाँ पर कंट्री आ रही है ठीक है, तो ये कंट्री ही है श्रीलंका, एंड एंड और कोई सी कंट्री का नाम आप यहाँ पर, पाकिस्तान ओके, हमने ये ऐड कर दिया तीन कंट्री, तीन कंट्री ऐसे आ गई हैं। एंड इन सब कंट्री को मैं अभी अभी तो ये स्टैटिक है सारा, बाद में एपीआई से डेटा आएगा, मैंने इतना सारा यहाँ पर देखिए ऐड कर दिया। एंड ये देखिए ऐड करते के साथ यहाँ पर ना स्क्रॉल भी आ गया है, तो हमको ये वाला स्क्रॉल नहीं चाहिए, इसके अंदर का स्क्रॉल चाहिए हमें ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, लोकेशन मॉडल के अंदर ये कंट्री लिस्ट है, मार्जिन बॉटम से पहले 0px ओके, एंड क्योंकि मैंने बताया था मार्जिन लग किया था डिफॉल्ट में, एंड यहाँ पर एल आई विड्थ 100% एंड लिस्ट स्टाइल नन ओके। एंड यहाँ पर हम ऐड करेंगे बटन, यहाँ पर होगा हमारा विड्थ 100% ओके, एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, एंड यहाँ पर कलर, यहाँ कलर होगा हमारा ब्लैक। एंड अब चेक करते हैं देखिए ऐसा आ गया, एंड यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स स्टार्ट, क्योंकि ये सेंटर लग के आता है डिफॉल्ट में ठीक है दोस्तों। एंड देखिए कितना ऑसम लग रहा है ये ठीक है ना। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैक्स हाइट ये ठीक है ना, एंड ओवरफ्लो वाई हिडन, एंड ओवरफ्लो एक्स हिडन, ओवरफ्लो वाई स्कॉल आएगा देखिए, अब इसी के अंदर स्कॉल आ रहा है ठीक है ना। तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये कंट्री लिस्ट है ना MT3, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस आएगा ठीक है, ये आ गया। एंड दोस्तों इसके अंदर जो ये जो हमारा बटन है ना, देखिए कितना इजी है बनाना ये सब ना, फ्रंट एंड 15px
एंड 20px, ठीक है। एंड यहाँ देखिए, यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है, नहीं देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर हमने ये कर दिया, एंड यहाँ पे देखिए ये लिखा आ रहा है मिनिमम 130। ये क्या है, हम ओनली ना यही यही सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। कंट्री पता नहीं क्या लिख दिया वहां पे, देखिए परफेक्ट, ठीक है ना। एंड एक चीज और करेंगे यहां पर, ये देखिए ये स्क्रॉलिंग ना अच्छी नहीं लगी, तो यहां पर हम क्या करेंगे, वेबकिट स्क्रॉल बार विड्थ 8px एंड हाइट 8px। देखिए ये कोड है हमारा इसको सही करने का, ठीक है ना, स्क्रॉल बार डिजाइन करने का। एंड इसके बाद आता है थंब, इसमें होता है हमारा बैकग्राउंड, ठीक है ना। एंड यहाँ पर जो यहाँ पर ट्रैक होता है एक, एंड बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट। अब देखिए अब कितना ये अच्छी स्क्रॉल बार लग रही है, देखिए अब लग रही है ना अच्छी स्क्रॉल बार। तो दोस्तों हमारा मॉडल तो ये वो क्या नाम है सेट है, ठीक है ना। एंड यहाँ पर बाद में हम सर्चिंग की फंक्शनैलिटी भी लगा लेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो एक करके हम इसमें काम करने वाले हैं, ठीक है ना। एंड उससे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो H4 आ रहा है ना MB0, देखिए कितनी जल्दी हमने एक मॉडल बनाना सीखा है इसमें ना। एंड यहाँ पर एक हमको क्लोज, वो एक क्लोज बटन भी चाहिए जैसे कि ये रहा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या काम करा, क्लोज यहाँ पर मैंने कॉपी किया, एंड डायलॉग के अंदर ही या फिर यहीं पे बटन में ही हम लगाएंगे जैसे अच्छा लगे, हमारा प्योर लगता है मतलब ना। ये देखिए हो गया। एंड यहाँ पर मैं क्लोज को ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ मतलब, मैं क्यों, क्योंकि अगर मैं क्लोज वो लगा दूंगा ना ये वाला, तो बूटस्ट्रैप की क्लास डिफॉल्ट में अपनी पकड़ लेगा ये, तो मैं अलग ही लिखूंगा, ठीक है। देखिए ये यहाँ पर आ चुका है। एंड यहाँ पर जाके नीचे आएंगे, ये रहा ठीक है लोकेशन मॉडल के अंदर, ये जो क्लोज है ना। एंड यहाँ पे दोस्तों हमको क्या करना है, हमको पोजीशन रिलेटिव करनी है। एंड यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट, ओके। एंड टॉप से 20px एंड राइट से 20px, ओके। एंड यहाँ पर बैकग्राउंड सॉरी कलर, कलर होगा हमारा ये, ठीक है ना। एंड यहाँ पर मेन विड्थ 40px एंड यहाँ पर विड्थ 40px एंड हाइट 40px, ओके। एंड यहाँ पर बॉर्डर रेडियस 15%, ओके। अब चेक करते हैं, देखिए देखिए यहाँ पर आ चुका है ये, ठीक है ना। इसको हमको और ठीक करना है, या क्लोज पे गए हम, एंड इसके जो SVG है ना यहाँ पर फॉन्ट साइज 22px, देखिए वेरी गुड, ओके। एंड यहाँ पर टॉप से 10 एंड राइट से 10, देखिए दोस्तों कितना हमारा ऑसम लग रहा है ना। तो हमने कंप्लीटली मटेरियल UI भी इसमें ऐड किया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, ये बहुत जेन्युइन कंटेंट है, आपको कंप्लीट यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला, ओके। क्योंकि मैं UI के साथ साथ एंड डेवलपमेंट का भी बहुत अच्छा देता हूँ कंटेंट, ठीक है। एंड देखिए कितना ऑसम है हमारा, ऐसा लग रहा है कि ये हम बहुत एक कंपनी का ही प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ओके। कंपनी में दोस्तों मेरे ऐसे ही कोड हम करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर इतना तो ये हो गया, देखिए कितना ऑसम लग रहा है, ठीक है ना। अब हम इसको क्लोज और ओपन करेंगे, देखिए कैसे, ये मॉडल था ठीक है ना। एक यहाँ पर स्टेट लेनी पड़ती है, लो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिए ये है ना, ये इस ओपन मॉडल, मैंने एक एक स्टेट का नाम है इस ओपन मॉडल, ठीक है ना। मेरे को यहाँ पर लेनी पड़ेगी, ये कॉन्स्ट इज ओपन मॉडल, सेट इज ओपन मॉडल, यूज स्टेट यहाँ पे होगा फॉल्स, डिफॉल्ट में वो मॉडल बंद होगा, ठीक है ना। एंड किसके क्लिक पे ओपन होना है इसको, इसके क्लिक पे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ऑन क्लिक लगाएंगे,
ऑन क्लिक एंड यहां पर एरो फंक्शन लेंगे एंड यहां पर ट्रू कर देंगे, ठीक है ना। एंड अब चेक करते हैं, देखिए हम ये तो मॉडल बंद है, जैसे मैंने क्लिक किया वैसे मॉडल हमारा आ गया, देख कितना ऑसम लगा दिया हमने ये। एंड मैं एंड यहां पर हमको क्लोज पे क्या करना है, इसको फॉल्स करना है, जो क्लोज कहां पर बनाया हमने ये रहा, एंड इसको फॉल्स। ओके अब चेक करते हैं जरा, मैं रिफ्रेश करता हूं एक बार, मैं क्लिक करता हूँ, वाओ गाइस ये तो हमारा ओपन हो गया। एंड मैं क्लोज करूंगा, वाओ वेरी गुड परफेक्ट है, ठीक है ना। एंड यहाँ पर जो ये बाहर क्लिक होने पे भी हमारा ये हाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ऑन क्लोज हैंडल क्लोज, तो यहाँ पर मैं ये तो ओपन है, ये ऑन ऑन क्लोज है, तो मैं ऑन क्लोज पे ना यही चीज ऐड कर दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑन क्लोज पे फॉल्स भी होना है इसको। ये क्या बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार, अब बाहर क्लिक करने पे भी ना ये हमारा हाइड होना चाहिए, देखते हैं एक बार। मैंने क्लिक किया, बाहर क्लिक किया, देखिए बंद हो रहा है, वाओ वेरी गुड। ओके तो हमने इसका मॉडल इजिली बना लिया है दोस्तों, ठीक है ना, देख कितना अच्छा लग रहा है ये। एंड इसकी फंक्शनैलिटी हम बाद में करेंगे, जब इसमें डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो जाएगा ना, जब हम करेंगे। और यहाँ पर एक काम और करते हैं, इसे कॉपी कर लिया एंड यहां पर ऑन क्लिक ये चीज, ठीक है ना, सबको मेरे को यहां पे अभी पेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके क्लिक पे ना ये मॉडल बंद भी होना है। एंड यहां पर हमको बाद में कुछ चेंजेस भी करने पड़ेंगे, ठीक है ना, वो हम देखते हैं बाद में। तो मैंने फ्रेंड्स मैं बाकी हटा दूंगा, इतने रहने देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, जब भी ये हाइड हो रहा है तो हमारा ये मॉडल बहुत अच्छा बना है। ओके एंड इसमें हम देखिए एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रांजिशन भी ऐड कर सकते हैं, देखिए ये वाली, ये ट्रांजिशन भी ऐड कर सकते हैं। एंड हम ट्रांजिशन ऐड करेंगे इसमें स्लाइड, ठीक है, एंड स्लाइड ऐड करेंगे यहाँ पर, एंड ये कॉपी करेंगे, ठीक है ना, एंड सबसे ऊपर पेस्ट कर देंगे। एंड बाकी तो हमारा सेम ही है, डायलॉग ओपन ट्रांजिशन एंड ये कॉपी करेंगे यहां पर ऐड कर देंगे, ठीक है। एंड अब चेक करते हैं एक बार जरा, ये रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड, तो यहां पर हम रिएक्ट इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ओके अब देखिए हम क्या कर रहे थे लास्ट टाइम अभी, अच्छा देखिए ये हमारा ट्रांजिशन भी लग गया, देखिए स्लाइड से आ रहा, कितना ऑसम लग रहा है नहीं, देखिए तो हमने वेरी, ये तो बहुत वेरी गुड लग रहा है इस टाइम। ओके प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपके लिए जेन्युइन कंटेंट लाया हूँ, ठीक है। एंड मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ, अगर आपने ये कंप्लीट प्लेलिस्ट देख ली ना, तो आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है फिर। ओके आप खुद से एक ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट या कोई सा भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं दोस्तों, देखिए विद मटेरियल यूआई हमने कितना अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर लिया दोस्तों, ठीक है ना। एंड कितना बढ़िया इसमें देखिए इफेक्ट है, बटन इफेक्ट कितने अच्छे आ रहे हैं, ठीक है ना। एंड हम एक काम और करते हैं, देखिए इसके अंदर ना इनको भी बटन में ही लेते हैं, हमारा ना और अच्छा निखर के आएगा हमारा काम ना। तो ये क्या है, नेविगेशन, ये रही, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों मैं इसके अंदर बटन ऐड करता हूँ, ठीक है ना, होम के अंदर। एंड अब चेक करता हूँ जरा, देखिए तो हमको ना ये वाला ही इफेक्ट चाहिए होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, अभी बटन सब पे अप्लाई करते हैं एक बार, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, हर जगह कर देंगे, ठीक है ना। एंड स्लैश वाला भी चाहिए हमको, तो यहाँ पे लगा दिया, फैशन के बाद, इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद, एंड यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, कॉन्टेक्ट। तो दोस्तों हमने ऐड तो कर लिया सारा बटन, ठीक है, तो ऐसे आ रहा है। तो अब हमको यहाँ पर क्या करना है, एल आई के अंदर ए में
बटन, ठीक है, बटन पे लगा देंगे सारी चीजें। अब देखिए ऐसा आ रहा है, ठीक है ना। एंड यहाँ पर ए टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है, देखिए कितना अच्छा ये हमारा फील आ रहा है, ठीक है ना। एंड लेकिन यहां पर ना हमको एक चीज और करनी है, बटन सही है, थोड़ा फॉन्ट साइज ना कम करते हैं इसका, जरा ज्यादा ही हो गया ये। सही है दोस्तों, ठीक है ना, ये अच्छा लग रहा है। लेकिन दोस्तों इसका ना थोड़ा सा मेरे को फॉन्ट साइज कम ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है ना। एंड इसके बाद हमको थोड़ा सा यहाँ पर ये बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर तो 8 ही रहने देंगे हम। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया हमारा इस टाइम ये लग रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर थोड़ा ना फॉन्ट वेट थोड़ा सा हमको करना चाहिए 500, 500 ज्यादा ही हो गया। एंड कलर यही सही है, ठीक है ना। बस हमको यहाँ पर इसको थोड़ा सा वो कर देना है, अभी काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। एंड फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है ना। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल एडवांस यूआई टेक्निक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ओके। एंड ये प्लेलिस्ट बहुत ज्यादा ऑसम होने वाली है, ओके। एंड ये पूरे यूट्यूब पर छा जाएगी, मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। एंड आपका सपोर्ट अगर रहेगा ना तो बहुत अच्छे से ये हमारी प्लेलिस्ट जरूर चलने वाली है दोस्तों, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला ड्रॉप डाउन भी बनाएंगे, ओके, आगे से स्टार्ट कर देंगे अपना काम, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।